स्टोरी लाइन में आपका स्वागत है। अब हम सेल्फी और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जो हमारे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर रहा है, साथ ही पेशेवर जिंदगी को ज्यादा अहमियत देकर हम अपने आसपास की खूबसूरती की उपेक्षा कर रहे हैं। इससे संबंधित वाशिंगटन पोस्ट द्वारा 2007 में किए गए एक खूबसूरत सामाजिक प्रयोग के बारे में जानेंगे। इस प्रयोग का उद्देश्य यह जानना था कि क्या हम अपने आसपास की सुंदरता को लेकर गंभीर हैं। यह प्रयोग के परिणाम स्वरूप एक अच्छी कहानी अर्जित करने वाले पत्रकार जीन वेनगार्टन को 2008 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2007 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक जोशुआ बेल ने वाशिंगटन डीसी में मेट्रो स्टेशन पर अपनी पहचान छुपाकर 45 मिनट तक वायलिन बजाया। उन्होंने अब तक लिखी गई सबसे कठिन संगीत रचनाओं में से एक को बजाया। उनके वायलिन की कीमत आज की भारतीय मुद्रा में 262 करोड़ रुपया थी। इससे दो दिन पहले जोशुआ बेल ने बोस्टन के एक थिएटर में प्रदर्शन किया था, जहां औसत टिकट की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर था। यह उम्मीद की गई थी कि 1000 लोगों में से कम 35 या 40 ऐसे होंगे जो संगीत की गुणवत्ता को पहचानेंगे। शायद 75 से 100 लोगों रुकेंगे और सुनने में कुछ समय बिताएंगे। प्रदर्शन के दौरान जोशुआ बेल पास से गुजरने वाले लोगों संगीत बजाने की गतिविधि से खुश होकर न्यूनतम 150 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे। लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। यात्रियों में से किसी ने भी विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक को नहीं पहचाना। वहां से गुजरने वाले 1097 लोगों में से केवल 7 ही कुछ देर के लिए रुके। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला एक 3 साल का लड़का था। हालांकि उसकी माँ खींचने लगी, इसके बावजूद बच्चा वायलिन वादक को देखने के लिए रुक गया। अंत में माँ ने जोर से धक्का दिया और बच्चा वादक को देखते हुए चलता रहा। यह क्रिया कई अन्य बच्चों द्वारा दोहराई गई। बिना किसी अपवाद के सभी माता पिता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वायलिन वादक जो संगीत मंचों पर कार्यक्रम के माध्यम से हजारों डॉलर कमा सकता है, वह केवल 52.17 अमेरिकी डॉलर अर्जित किए। अगर आप सोचते हैं कि लोगों ने संगीत पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, तो आप गलत हैं। 2014 में जब इस प्रयोग को दोहराया गया तो हजारों की संख्या में लोग वहां जमा हो गए और संगीत का आनंद लिया। निष्कर्ष, जब हमारे पास सबसे अच्छे वायलिन वादक द्वारा सबसे अच्छी रचना में से एक को सुनने का समय नहीं है, तो हम और कितनी सुंदर चीजें खो रहे हैं। उपनिषदों में भी ऐसी ही एक विचारोत्तेजक कथा है। एक बार एक कस्तूरी मृग को अचानक एक अद्भुत सुगंध का पता चला, जिसने उसकी आत्मा को इतनी प्रेरित किया कि हिरण इस स्वर्गीय सुगंध के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। कड़ाके की ठंड के बावजूद वह खुशबू के स्रोत को खोजने के लिए वर्षों तक कोई आराम किए बिना इधर उधर भटकता रहा। एक दिन यह एक घातक चोट के साथ एक चट्टान से गिर गया। अपनी अंतिम सांस लेते हुए हिरण को अचानक एहसास हुआ
कि जिस गंध ने उसके दिल को चकनाचूर कर दिया। वह जीवन भर लक्ष्यहीन होकर घूमती रही, उसकी ही नाभि से आई थी। इस प्रकार हिरण के जीवन के अंतिम कुछ क्षण खेद के क्षण थे। जीवन भर जिसकी वह तलाश कर रहा था वह अपने भीतर था। तो उपरोक्त कहानियों से हम जो सीखते हैं वह यह है कि हम अक्सर अपने और अपने आसपास की सुंदरता को नजरअंदाज करते हैं। स्टोरी लाइन देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।